हेलो गाइस, मेरा नाम योगेश शराब दिख रहा हूँ मिस्टर टैक्स में। स्वागत है आपका मेरे चैनल में नई कमाल के मजेदार वीडियो के साथ में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके हुए एक बहुत ही मजेदार वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन, जो कि आप अपने एंड्रॉइड फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों के साथ या प्रॉब्लम होती है, उनके साथ कोई पीसी या कोई लैपटॉप नहीं होता तो वो अपनी वीडियो एडिट नहीं कर पाते, लेकिन यूट्यूब पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। जो कि एप्लीकेशन निकल के आती है एडोब की तरफ से, जो कि एडोब प्रीमियर प्रो रश। तो ये आपको जनरली तो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाती है, लेकिन कई बार ये कई कारण की वजह से आपके डिवाइस के लिए एलिजिबल नहीं होती। लेकिन मेरा जो डिवाइस है वो एंड्रॉइड 9 पे रन करता है, तो उसके बाद भी वो एलिजिबल नहीं दिखा रहा है। तो कैसे ही करके मैंने इसको इंस्टॉल तो कर लिया, तो उन लोगों के लिए एप्लीकेशन बनी है। तो वो अपनी जो वीडियोज़ है वो अपने फ़ोन से एडिट कर सकते हैं, बोलो कि मोबाइल फ़ोन से एडिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, कमाल की एप्लीकेशन है, और बहुत ही ईजी तरीके से आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, या इफेक्ट वगैरह या टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप इसमें जो कि एक्चुअल जो कि एडोबी प्रीमियर का जो कि लुक है ना, वो एकदम उसके जैसे ही आपको जो पीसी वाला वर्जन है उसके जैसे ही आपको सेम का सेम देखने मिलता है। हाँ, मैं मानता हूँ यानी कि पीसी में जो सारे इफेक्ट देखने मिलते हैं इसमें नहीं है। एटलीस्ट इससे आपका काम बन सकता है। अगर आप वीडियो डालना चाहते हैं, रेगुलर कंटेंट अपलोड करना चाहते हैं, तो आपसे इसका काम बन सकता है। शुरुआत में आप इसका यूज कर सकते हैं, जब आप धीरे धीरे चैनल ग्रो हो तब आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करना नहीं चाहता, तो करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। तो मैं बताता हूँ कि आपको उस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। फ्रेंड, जो एप्लीकेशन निकल के आती है वो निकल के आती है एडोब की तरफ, जो कि एडोब प्रीमियर प्रो रश निकल के आती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आपका जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है उस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड मीडिया का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ऐड मीडिया करने के बाद यहाँ पे खूब सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वीडियो फोटो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियोस एंड फोटो पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके फोटोज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि मैं अपनी जो पिछली वीडियो थी, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऐड कर लिया, और जो कि मैंने इसका नाम दे दिया क्या, क्योंकि फोटोशॉप कैमरा के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जाके पहले उसको भी चेक कर लें। तो हम इसका यही आपका प्रोजेक्ट का नेम डाल देते हैं। तो हम क्रिएट करते हैं इसको। तो जैसे ये क्रिएट हो चुका है, तो हम थोड़ा ठीक है। तो इतना करने के बाद यार आपको करना है कुछ, और टाइमलाइन पाने के बाद जो ऐसा ये वीडियो आपके चल जाएगी। तो कुछ इस तरह का आपको इसका इंटरफेस आपको बेसिकली देखने को मिलता है, जो कि पहला ऑप्शन निकल गया था टाइटल का। तो आप अपनी वीडियो का जो भी टाइटल है यार वो ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल है यार, हम कोई भी अपना एक टाइटल ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमें ये टाइटल पसंद है तो हम इसको डाल देते हैं, और आपको ऐसे आप इसको जूम भी कर सकते हैं। और ठीक है, एक बार हम थोड़ा सेट कर लेते हैं यार वीडियो को अपन। आपको ये टाइमलाइन सेलेक्ट करनी है, और यहाँ से आपको लगाना है कट। तो यहाँ कट करने के बाद ये आपको जो सीक्वेंस है वो एरिया आप सेलेक्ट कीजिए, और डिलीट वाला आइकन प्रेस कीजिए, तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने अपना जो कि टाइटल भी कट हो गया, तो कोई बात नहीं यार, हम दूसरा टाइटल ऐड कर देंगे। और टाइटल की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, बेसिकली आपको बताने की आपका कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। तो टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ऐड टाइटल में आप जाके अपना जो भी आप टाइटल डाल सकते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, तो ठीक है। तो मैंने ये कर दिया है, अपने ये टाइटल ऐड हो चुका है। और टाइटल को मैं थोड़ा यहाँ पे रखना है, और थोड़ा सा छोटा भी करना है। ये भैया टाइटल हमने छोटा कर दिया है, ठीक है। और हम चलाते हैं वापस से अपनी इस वीडियो। हेलो गाइस, मेरा नाम योगेश शराब दिख रहा है मिस्टर टैक्स। तो कुछ इस तरह का आपको ये टाइटल आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी के यार बहुत ही कमाल की आपको ट्रांजेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी कोई बीच में वीडियो या फोटो लगाते हैं तो वहाँ पे ये ट्रांजेक्शन आपको ऐड करने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। और कलर के इफेक्ट यार मुझे काफ़ी इसमें जो कि अच्छे लगे, जो कि मुझे जो प्रीमियर प्रो में काफ़ी यार थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कलर ग्रेडिंग के लिए। फिल्म वाला सेलेक्ट हमने कर लिया जो कि प्रीसेट, और इसमें अपन अब करते हैं थोड़ा बहुत इससे छेड़छाड़, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट भी थोड़ी कम कर देते हैं, शैडो, टेम्परेचर ठीक है, टिंट रहने देते हैं, सेचुरेशन रहने देते हैं, फेडेड फिल्म ये भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे आप ऑडियो वाले सेशन में जाके आप इस अपनी ऑडियो से छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर आपको स्लो करनी है, फास्ट करनी है,
और ट्रांसफॉर्म में आपको इस वीडियो की आपको हाइट वाइट आपको कुछ छेड़छाड़ करनी है, अगर जो भी आपका फ्रेम रखना है फिट करना है तो यार ये सब आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर कोई गलती से आपके साथ कोई छेड़छाड़ इसमें हो गई तो आप इसको यहाँ से भी आप वापस अंडू कर सकते हैं। और तो और इसमें जो कि कट वाला ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया, और तो बाकी यार इतने ही ऑप्शन इसमें निकल गए थे, लेकिन अगर आप यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी कमाल एक्सपीरियंस इसमें देखने मिलेगा और इजी टू यूज़ भी है। जैसे कट का मैंने बता ही दिया आपको, कट सीजर से करना है और जो भी आपका पार्ट आपको अपनी वीडियो में काटना है वो सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए तो ये सिंपल कट हो जाएगा। और अब बात आती है लास्ट एक्सपोर्ट की, तो भैया इसमें एक्सपोर्ट के लिए आपको जो शेयर वाला आइकन है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और जो कि एस्टिमेटेड फाइल साइज आपको दिखा रहा है 129 MB की, तो इस पर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक्सपोर्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। ये एक्सपोर्ट या बोलूँ कि रेंडरिंग में यह थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉफ्टवेयर वाली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक के बगैर मत जाना, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं मेरे डिसलाइक का बटन दबा देना। पसंद आ गई, चैनल पर नई हो पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। धन्यवाद दोस्तों, अपना बहुत ही कीमत से मुझे देने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।